अब यूपीएससी में कहाँ से आ गए? दुश्वारी ये है कि रोजी रोटी बहुत ज़रूरी चीज़ है, और मैंने कहीं पढ़ा था कि चाणक्य ने कहा था कि अर्थशास्त्र वो शास्त्र है जो दुनिया के तमाम शास्त्रों को चलाता है। तो अब ये है कि बहुत मशहूर एक कहानी है कि एक बड़े साहब जो बड़े फिलोसोफर किस्म के आदमी थे, उन्होंने ये सोचा कि अपने अपने लाइफ को वो डेडिकेट कर दें एक किसी समझे जैसे एनजीओ टाइप के कोई चीज़ काम के लिए, इस किस्म के सोशल सर्विस के लिए। तो एक बड़े आदमी से मशवरा करने के लिए गए कि मैंने ऐसा ऐसा सोचा और मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने सुन लिया और बहुत पेशेंस के साथ सुना, फिर उनको एक सवाल पूछा, वो सब तो सही है मगर बेटा ये बताओ कि खाओगे कहाँ से? सो यू नीड टू हैव अ जॉब टू सस्टेन योर सेल्फ एंड सिक्योर योर बेसिक नीड्स, मतलब खाना पीना रहना। और दूसरा ये बात है कि एक काम इसलिए भी ज़रूरी है कि मैंने जब ऑप्शंस सोचे कि लाइफ में मुझे क्या करना है, तो मुझे ये लगा कि गवर्नमेंट सर्विस में और सिविल सर्विस में, ख़ास तौर से जो पुलिस सर्विस है, वो एक ऐसी जॉब है जिसमें आप सोसाइटी की बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में मुल्क में क्राइम होते हैं। क्राइम क्या है? क्राइम है कि आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं। समझिए कि आपका इस आईपैड पे एक राइट है, आपने उसको ख़रीदा है, मैं उठा के उसको पटक दूँ और तोड़ दूँ, तो मैंने तो आपका राइट वायलेट किया ना उसमें। डेफिनेटली मैंने आपको कोई ऐसी कड़वी बात कह दी, मारा मारी हो गई, आपके ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, किसी को किसी ने इंजोर कर दिया, किसी ने किसी के साथ धोखाधड़ी कर ली, फ्रेब कर लिया, पैसे ठग लिए, छीन लिए, जो भी है, जितने भी क्राइम के पैटर्न हैं, आप उसमें देखिएगा कि आपके किसी ना किसी राइट्स को वो इन्फ्रिंज करता है। और जब ये राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो आदमी बड़ा दुखी होता है और वो चाहता है कि उसे कोई सपोर्ट करे, उसकी कोई मदद करे, कोई उसको सांत्वन करे, उसको एग्जैक्टली उसको कंसोल करे और कहे कि नहीं ये एंड नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो जिसने इस काम को किया है वो उसके खिलाफ़ कानून अपना काम करेगी और वो उसके कंसिक्वेंसेस को फेस करेगा। अगर आप देखिए कि इस किस्म की जब इन्फ्रिंजमेंट होती है तो लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं? आप किसी परेशानी में होंगे, आपके घर में कोई चोर घुसा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप पुलिस को कॉल करेंगे। आपको किस साथ किसी ने मारपीट कर ली, क्या करेंगे? आप पुलिस को कॉल करेंगे। लेकिन ये लोगों का अजम्पशन है अभी भी कि कुछ ऐसा क्राइम हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि अभी पुलिस को कॉल करेंगे कहीं हम ना फंस जाए, उल्टा इनवर्टेंडो ना हो जाए हमारे साथ। नहीं, इनफैक्ट आप ये देखिए कि लॉ का जो इवोल्यूशन हुआ है पिछले कई डिकेड्स में, उसमें अब ये बात हो गई है कि किसी आदमी ने अगर मदद की किसी को तो उसको कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं होगी। अभी आप देखिए एक्सीडेंट के केसेस, पहले क्या होता था कि आपने कोई विक्टिम है उसको उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, उसकी मदद की, उसकी जान बचाने में आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया, तो आपको चक्कर काटने पड़ते थे। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब आपको कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। तो धीरे धीरे लॉ ऐसा इवॉल्व हो रहा है कि गुड अच्छे लोग जो हैं जो मदद करते हैं उनको परेशान नहीं होना पड़े। लेकिन हमको ये बात भी समझना चाहिए कि बुनियादी तौर से इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करता है, और रूल ऑफ लॉ ये होता है कि जब तक हम सब रूल को अवॉइड नहीं करेंगे, कानून की मदद नहीं करेंगे, तो हम ये नहीं समझ सकते कि हो सके कल मैं ना विक्टिम बन जाऊँ इसका। अब ये समझिए कि जैसे किसी इलाके में कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कोई समझिए लड़कियों को छेड़ते हैं, बहुत सारे लोग खामोश आते हैं, नहीं शिकायत करते हैं, डर रहता है कि कहीं हमारे साथ ना वैसा हो जाए। एग्जैक्टली लेकिन क्या होता है कि जो आदमी कर रहा है उसकी तो हिम्मत बढ़ती जाती है, तो एक दिन हो सकता है कि हम खुद विक्टिम बन जाएं उसके। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमको लॉ को प्रोएक्टिवली भी देखना पड़ेगा, और हमको ये देखना पड़ेगा कि हम अपने काम के लिए इतना सारा वक्त लगाते हैं, थोड़ा सा काम वक्त हम एसेंशियली लॉ को सपोर्ट करने में और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में लगाएं, तो प्रोबेबली हमारा समाज जो है एक अच्छा समाज होगा।